सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। न्यू अपडेट्स जो हैं वो करोना वायरस से रिलेटेड, जो कि अब नोवल करोना वायरस के नाम से आ रही हैं, उसको उसके बारे में मैं कुछ मालूमात आपको देना चाहती हूँ। जो कि PIA की तरफ से भी एडवाइजरी जो है अपडेट्स निकली है, और इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों ने अपनी अपनी एडवाइजरी अपडेट्स निकाली हैं कि अब वहाँ पर सफ़र करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा जनाब, PCR टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो अब इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों तरफ के लिए है, यानी कि इंटरनेशनली फ़्लाइट्स हों या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हों, आपको PCR टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। आपने लाजमी PCR टेस्ट करवाना है, और अगर आपने PCR टेस्ट नहीं करवाया, रैपिड टेस्ट PCR नहीं करवाया, तो वहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कुछ पेनल्टीज़ होंगी। ओके जनाब, दूसरी सिचुएशन उन्होंने ये लगाई है कि आपके पास पाकिस्तान में अब फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन मौजूद है, जिससे अब वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से। आप उसको डाउनलोड कर लें और वो मैंडेटरी है, आप उसको लाजमी डाउनलोड करें। जैसे कि दुबई में अल हुसन ऐप है, इसी तरह पाकिस्तान में उन्होंने एक फास्ट ट्रैक के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, आप वो डाउनलोड कर लें ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए। और तमाम पैसेंजर्स को लाजमी है कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके अंदर अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस एप्लीकेशन को उसको फुलफ़िल करें, ताकि जो है आपका तमाम डाटा जो है उस एप्लीकेशन में मौजूद हो, ताकि आपको सफ़र में आसानी हो। और PCR टेस्ट जो है वो अब 72 आवर्स का प्रायोरिटी पे कर दिया है। 72 आवर्स पहले आपने PCR टेस्ट करवाना है, और फिर रैपिड टेस्ट आपका वहीं पर होगा, और पास ट्रैक में आपको आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी। जनाब, पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी मुल्क से आप ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आपके लिए रैपिड टेस्ट PCR का करवाना बहुत ज़रूरी है, और 72 आवर्स की प्रायोरिटी है आपके पास। 72 आवर्स बिफोर जो है आपका लाजमी कोरोना टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी जनाब, मेरी स्क्रीन पे आप ये देख रहे होंगे, ये वेब पोर्टल है। जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल जिनके पास नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो अपनी डिटेल्स जो है वो इस पोर्टल पे जो है वो अपडेट करवाएं, तो इस तरीके से वो ट्रैवल कर सकते हैं।